माइक टेस्टिंग, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? भोपाल सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, मैंने टॉर्च जला रखी है, व्लॉग बना रही हूँ। बिना टॉर्च के भी सही जा रही है, टॉर्च जला के इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इतनी लाली लबका रखी है ना मैंने, ये सोए पड़े हैं। दोपहर के बज रहे हैं जी 5 बजने वाले हैं, 2 मिनट 5 बजने में शाम होने वाली है। सो गाइज, मैं नहा धो के खाना पीना बना के आज रील्स वगैरह बना रही थी सूट वगैरह की, और नूना को मैंने बोला था मम्मी भेज दो, पर मम्मी उसको घुमाने लेके गई नहीं कहीं, ये भी वीडियो कॉल आई थी, इन्होंने बात की। और आज हम कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं, और गाइस जो मेरा लास्ट व्लॉग था प्रैंक व्लॉग, वो मुझे डिलीट करना पड़ा बिकॉज उस पर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, क्योंकि उसमें हाथ काटने वाली चीज़ थी ना। सो ये सब चीज़ें आप उसमें ब्लड दिखा रहे थे हम लोग ना, नकली वाला, तो वो नहीं दिखा सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस आ रही थी। ओके, अब समझ जाओ, रोक टोक आ रही थी बस। सो अभी हम पड़े हुए हैं, मैं तो वो देख रही हूँ सावधान, और तो मुझे बोलते थे आप इतना सावधान क्यों देखते हो, मुझे ऐसे ही पसंद है, देखती हूँ नई नई स्टोरियाँ। सो गाइज, कल मुझे एक फंक्शन में जाना है, छोटा सा है ये फंक्शन है मेरी एक इन्फ्लुएंसर नहीं, मतलब हम इंस्टा पे कोलैब के थ्रू ही बात हुई है, आज तक उन्होंने शॉपिंग पेज है कोलैब वाला कराते हैं, आज तक मैं मिली नहीं हूँ, बट उनका एक फंक्शन है तो उसमें जाना है कल। सो उनके लिए गिफ्ट वगैरह लेके आना है, कुछ उनके गृह प्रवेश का कुछ फंक्शन है तो कुछ उसके लिए गिफ्ट लेके आना है। और कमला नगर जाना है, मुझे फ़ोन पे कवर नहीं है, कवर चलवाना है, घर की चप्पल नहीं है वो लेके आनी है। सो अब जब जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, जब यूट जाएंगे, जब मैंने तो अच्छा सूट पहना था, फिर चेंज कर लिया, वो सूख रहा वहाँ पर, सूख नहीं रहा मतलब, डाल रखा भी तय बनाऊँगी, और वीडियोज़ वगैरह बनाई, उसके बाद पड़ गई। हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में शाम को। हेलो गाइस, सो हम सो के उठ गए, सोई नहीं मतलब टीवी देखते रहे, यही सो रहे थे, और उठ के तैयार भी हो गए क्योंकि हम जा रहे हैं मीनाक्षी दीदी के यहाँ, उन्हें ना डॉगी ने काट लिया है गाइस। वैसे तो ठीक है पर फिर भी डॉगी ने काट लिया है, सो इसलिए जा रहे हैं। और उनके कपड़े भी देने थे कुछ, उनके ब्लाउज वगैरह यहाँ स्टिच हो रहे थे वो देने, और उनकी ड्रेसेस वगैरह ड्राई क्लीन होने पर थी वो देनी, और कुत्ते ने भी काट लिया। सो पम्मी कल पहले बोला था ले चलो, कल लेके नहीं गए, आज ले जा रहे हैं, आज भी बोला मैंने, बड़ी मुश्किल माने, आज उनकी जिम की ऑफ थी। सो मैंने ये पहना है गरम सूट, सिलवाया था नया गरम सूट भी, बैगलेस सिलवाया मैंने, दिख रहा होगा आपको शायद थोड़ा बहुत, नहीं दिख रहा होगा ना, बाद में दिखाऊंगी। सो चलो निकलते हैं, फिर मिलेंगे आपको। हम लोग निकल गए थे नोएडा के लिए, निकले क्या पहुँच भी गए हैं, और चुन्नी ली पहले मैंने अपने घर से, क्योंकि ये सूट मैंने नया सिलवाया था, तो इसका ना स्टॉल मेरे घर पड़ा हुआ था, ये मैं और हम दोनों ही आए हैं, गाड़ी मैंने चलाई है, आधे रास्ते मैंने चलाई, आधे रास्ते इसने चलाई, मैं तो सो रही थी भाई। अरे तो आधे रास्ते चला के तू सो गई ना। अरे यार गाइस, मम्मी भी आए हैं, वैसे हम निकले नहीं, हम पहुंच गए हैं यहाँ मार्केट में, हम भूख लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने गाइस को बोला मैं गाड़ी चला के आई, अपने आप में दर्शन नहीं दिए यार। सो चलो गाइस, वशु गई, आज आप अलग से लग रहे हो, क्योंकि मैंने आज ना काजल लगाया बहुत दिन में, इसलिए चलो गाइस कुछ खा लेते हैं। आ गए थे शॉप पर लेने, पर चाउमिन चिकन बैटो सब बंद हो गया, तो यहाँ से मैंने राज को छोड़ी और पाव भाजी लिए अपने लिए, और ये कुछ ले रहे हैं, और चाउमिन चिली ब्रेडो का टाइम ना बंद हो गया क्योंकि 9 बज गए ना, इसलिए हम आ गए हैं। और ये देखो इनकी दिवाली अभी तक बन रही है, इन्होंने लाइटें इन्होंने अभी तक लड़ियाँ नहीं उतारी, और ये उतार रहे हैं बच्चे मेरे दोनों सामान। कालू आ गया, ये दीदी की ड्रेस वगैरह थी, ब्लाउज जो देना था, ये सब सामान। ओ अरे भैया पागल से मेरी वो ले ली इसने लत्ती। और गाइज मेरे फ़ोन पे ना फाइनली रास्ते में, मैं कह रही हूँ रजत कहते क्या तोतला रही हूँ, रास्ते में इन्होंने ना नया कवर चढ़ा दिया मेरे फ़ोन पे, ये देखो इसमें कैमरा बंद हो जाता है ऐसे, ये दिख रहा है आपको, पर कैमरा बंद कर दूँगी ना कवर से तो व्लॉग कैसे बनाऊँगी, सो इसलिए चलो गाइज अंदर छोड़ के मिलते हैं आपसे। ओ माय गॉड, दीदी आ जाए नहीं, ऑरेंज जोन के नीचे ऊपर जाके ही मिलेंगे अब आपसे, अभी रील बनाऊँगी यहाँ पर। और ये देखो, अरे बाप रे, जीता रे जीता रे, इसका पैर लेने का स्टाइल कति धमाकेदार है। हाँ कैसे, वेलकम गाइस, हमारी नंदू को कुत्ते ने खा लिया, पंजे वंजे तो नहीं मार रही आप, कहीं पता लगे। अच्छा आपने कैमरे में देख लिया होगा, ये आ गए जब ही नहीं आई आप नीचे। सो गाइस इन्हें ना जांग पर कुत्ते ने खा लिया, आप लोगों को दिखा नहीं सकते, जांग पर बिछोंडे में खाया कुछ, मतलब हद हो गई इनकी गाइस। वैसे मैंने तो देख लिया था, सही में ही खा रखा, मैं कहा हमें बुलाने के बारे झूठ बोल रही है।
बढ़िया। हाँ हाँ, आपने भी गर्म सूट पहना, मैंने भी सामान लिया है। कहाँ है? सो गाइस, हम लेके आए हैं राज कचौड़ी, राजू भी है ये, और ये इन्होंने इमली मंगवाई है। कैसे, मुझे फिर से वो बनाओगी क्या मामी? नहीं यार, अच्छी लगती है ना मुझे। आपके नाखून अभी तक नहीं उतरे? नहीं, फिर उतरे। कुछ काम नहीं करती ना यहाँ तुम, इस बारे नहीं उतरे तुम्हारे नाखून? अब तक पीजी पड़ी हूँ, काम ना करती। गाइस, मेरे नाखून देखो कब के उतर गए, और मेरी गैलरियों ने करवाए थे, और इनके पम्मी देखना स्टोन भी ना उतरे, ये काम ना करती कुछ भी। यहाँ घर आके नुई बहकाओ कि मैं ससुराल में सारा काम करूँ, झूठ क्या हो तुम? अब पता लगी नाखूनों से, पता लगी। दिखाना आटा घुस रहा है, दिखाना एक बार। पराठे बना भी ली, किचन भी साफ हो रही है, देख बना खाने। गाइस ये कुछ काम ना करती, ये भी नंद घर में अपने ससुराल में लिख गई मुझे। गाइस हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं हम? 11 बज रहे हैं, 11:10। ओए कितनी प्यारी लग रही है इस फोटो में, बंदरों। और आज मैं इससे सुबह से नहीं मिली गाइस, जब मैं गई सो रही थी, अभी जाते हुए एक राउंड मारती हुई जाऊंगी, क्योंकि जगरी होगी तो मिलूंगी जरूर। आप मिले थे ऑफिस पे गए जब भी? नहीं मिले। सो गाइस हम खा रहे हैं ये आलू के पराठे, चटनी और अचार और चाय। गर्म है, फिर हम चलेंगे घर। हम लोग जा रहे हैं अब, बुढ़ापा सा आ गया था मतलब। बस यूँ ही मत कह दियो, हट जावे कते, इन्हों कह दो ना बुढ़ापा आ गया तो ऐसे हो जाते, ऐसे अभी चीर देंगी। नहीं गाइस, अगर ऐसे कह दूंगी ना दीदी तुम्हें तो बुढ़ापा आ गया, तो इतने में तो चीर देवे। अच्छा तुझे ना ऐसे बोलती है, चल रही। गाइस हमने ना रास्ते में से बहुत सारी चीज़ें खाने को ली। हाँ तो रुक जा, कपड़े भी नहीं लाए। अच्छा, कोई बात नहीं, यही होंगे। अच्छा, और स्कूल की छुट्टी होगी। अच्छा, कोई बात नहीं, एप्लीकेशन दे दो। और गाइस रास्ते पे से ना हमने कपड़े भी खरीदे, आपको घर जाके दिखाएंगे। अपनी माँ देखने गई और कुत्ता खाया, दिखाया नहीं आपने, हद कर दिया आपने। ठीक है मौसी, मौसी नहीं क्या है, चलिए चलते हैं। और आज मैं आपको ना दीदी का घर भी दिखाती हूँ गाइस। ये है दीदी का घर, ये वाला, और ये रिक्शा है दीदी का, दीदी चलाती है। नहीं गाइज, ये ना पीछे सब लोग यहाँ पे जो बाहर काम वाम करते हैं ना, किराएदार वगैरह रहते हैं, तो ये है सारा, ये सब रेंट पे चढ़ा हुआ है ना। यहाँ सारे में ऊपर तक रेंटर्स हैं, पीछे तक, और वो रहा उधर, ये दिख रहा है आपको ये सारा, और ये और ये खाली जगह छोड़ रखी है, अभी अभी बनवाएंगे पार्क टाइप। तुझे बोलना जरूर है। और गाइज ये पार्क बना रखा है, जैसे कि मैं आऊँ वीडियो के लिए, और ये वाले में दीदी रहते हैं, और इसमें बाकी लोग रहते हैं, और ये भाई साहब की एक गाड़ी ये खड़ी लंबी वाली, पता ना कौन सी है, एक और है स्विफ्ट, और स्विफ्ट में भाई साहब अभी घूमने गए हुए हैं। सो आजा, मैंने आपको अपनी नंद का घर भी दिखा दिया, जो लोग कहते हैं कि घर दिखा दो दीदी का। सो चलो चलते हैं, जाड़ लग रहा है गाइस। और गाइस ओ माय गॉड, नए फोन का कवर भी ना रुक नहीं रहा। आ गए हैं 12 बजे घर, पूरा शर्मा के दिखाती है। देख पापा, मम्मी देख हाथ पकड़ कैसे कर रही है उसका। पापा आ गए, मम्मी से भी मिल ले बेटे, डिश कर दे मम्मी को। जैसा मैंने किया है ना आज मेरे साथ वही हो रहा है, बड़ा दुख होता है। अच्छा समझ नहीं आया। हम मम्मी देख पूरा टशन मारने लगी, समझते ही वो कहते थे जो बोया वही पाएंगे। मेरे साथ भी खेल ले। ये तो मरे बंदे को भी मार रहा है। दिश 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 दिश। हाँ। पर ये ऐसे क्यों करती है? तेरे को चल। कौन है तू? बेबी मम्मा। हाँ। खेलो मेरे को, मारो बेटा, मारो मेरे साथ, खेलो तो सही तुम। हाँ। ले हो गया गाइस, मैं भी पूरी जिंदगी ऐसी ही करती रही, मम्मी मेरे पीछे पागल रही और मैं पापा के पीछे, और ये भी आज मेरे साथ यही करती है। बेबी मैं आपकी मम्मा हूँ, मम्मी की तरह कर, मम्मा मम्मा। हम देख रहे हैं जैसे बोया इसने, ऐसा खाना भी सुधर जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग, आप सोच रहे होंगे इनकी डायरेक्ट गुड मॉर्निंग लिफ्ट में कैसे हो रही है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 7:30 या 8,
मम्मी को पता नहीं तबीयत खराब हुई, टेस्ट वेस्ट के लिए डिवाइन से एम्बुलेंस में मम्मी यहाँ कैंप में एक है मधु उसके नाम से वहाँ आई है। सो मम्मी को मम्मी सेकेंड फ्लोर था भाई हमने, सो मम्मी को देखने आए हैं मतलब लेने आए हैं हम। मम्मी ने फ़ोन करा 6 बजे, मैंने कहा मुझे दोबारा उठा देना जब जाना हो। मम्मी ने कॉल ही नहीं करा कि मैं नींद खराब हुई, फिर जब कॉल करा तो पता लगा मम्मी हॉस्पिटल है। फिर हम दोनों आए हैं अब सुबह, और रात को व्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं करा क्योंकि थक गए थे, इसलिए फिर वन पे उतर के सीढ़ियों से चलते हैं। तो आप कैमरा के आगे खड़े होकर वेरीफाई करी क्यों रहे हो अपना मुंह? चलो ऐसी आ गए लोअर टी शर्ट में फटाफट। गाइस मम्मी का चेकअप करा के आ गए हैं, मम्मी ने तो अस्पताल में ऐसी बात कर दी कि पूछो ही मत। मम्मी के पास 7,000 रुपए के टेस्ट हुए, तो पापा से आगे कह रहा कुछ बीमारी नहीं निकली इनमें, इनका कहने का मतलब अगर इतना महंगा टेस्ट हो तो बीमारी निकलनी चाहिए वरना पैसों का नुकसान हो गया। बीमारी निकली तो अभी गाइस रिपोर्ट नहीं आई, अभी पता लगेगा। MRI हुआ है मम्मी का, MRI ब्रेन, मम्मी का भी पेपर बहुत हाई रह रहा है और दिक्कतें हो रही है काफ़ी। अब मम्मी डिवाइन जाना है। सो गाइस हम आ गए हैं अपना वही पुराना डिवाइन मेरा पुराना वाला कमरे में, और मैं जा रही हूँ अभी घर। अभी इतने बीना आंटी रुकेंगी और आज मैं आपको पिक्कू भाई दिखाती हूँ, बीना आंटी के हस्बैंड। ओ माई गॉड क्या हो गया, अरे सूफी में हो क्या बात है फिर। तो गाइज जैसे एक मरीज को ग्लूकोज की जरूरत होती है ना, ऐसे ही पिको भाई का नाम प्रवीण है ना, हाँ ऐसे ही प्रवीण नागर को बोतलों की जरूरत होती है। सूफी में तो ऐसे लगे हैं अफसर से, और जब पीले में जब बताओ मत। सो गाइज ये मम्मी को छोड़ के जा रहे हैं, सफाई वफाई करके आ रहे हैं। बाय बाय, घर साफ वाफ करके आऊँगी। अच्छा लिफ्ट रोक रखी है तुमने है ना, इस मार इतना तेज बोल रहा। सो गाइस अब मैं घर का काम करके और इन्हें नाश्ता करा के फिर आ जाऊंगी नहा के, क्योंकि इन्हें तो सुबह हैवी नाश्ता चाहिए, वैसे इन्होंने चाय पी लिया है यहाँ पे। आ गई थी हॉस्पिटल से घर, घर आके पहले मैंने सारा घर समेटा और उसके बाद अब मैं नहाऊंगी। पम्मी गए हैं गाड़ी में कुछ कराने, यहीं पास में गए हैं, बस अब काम वाली दीदी का वेट कर रही हूँ। समेटा समाटी मैंने कर दिया, वो आके झाड़ू पोछा कर देंगे। चाय पम्मी वहीं से पी आए थे, फिर मैंने बनाई नहीं अपने लिए, अभी कुछ बनाऊंगी देखेंगे। फिलहाल मैं नहा रही हूँ क्योंकि मम्मी को एडमिट कर दिया, फिर वहीं जाती हूँ घर पे। नोना को भी देखना पड़ेगा और खाना तो गुन्नू को बनाना आता नहीं। सो चलो ये वाले ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू। और मम्मी को ना वैसे है थोड़ा माइंड में क्लॉटिंग हो जाती है, तो उसकी प्रॉब्लम है और कुछ है। सो देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर्स और क्या होता है आगे। सो मिलते हैं आपसे दोबारा अगले ब्लॉग में।